हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? हमारा सीरीज़ चल रही है कंप्रेसर नेशनल रेफ्रिजरेटर के लिए। रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर पहले हमने शेयर किया था आपके साथ, डेनफास के, फिर इम्ब्रैको के, फिर सैमसंग के, और आज हम जो आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं वो है नेशनल रेफ्रिजरेटर के लिए। कंप्रेसर के ऊपर जो कोड लिखा होगा, तो इस कोड को हम देखें कैसे पहचान लेंगे कि ये कितने एचपी का है और इसमें कितना ऑयल डलेगा और इसमें इसकी कैपलरी का नंबर क्या होगा और कितने फुट कैपलरी लगेगी। तो इसके लिए मैंने कुछ डाटा लिखा है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। ये कंप्रेसर के ऊपर ही लिखे होते हैं, ये मैंने लिखा है कंप्रेसर का नंबर पहली कतार में, दूसरी में हॉर्स पावर कि कितने वाट का है, तेल की मकदार कितना, ऑयल डलेगा इसमें, कैपलरी का नंबर, कौन सी कैपलरी लगेगी, कैपलरी की लेंथ कितनी लंबाई होगी कैपलरी की। जैसे ही आप कंप्रेसर देखेंगे, तो अगर कंप्रेसर के ऊपर अब लिखा होगा FN43F88G, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये 1/10 का कंप्रेसर है। अगर आपके पास ये चार्ट होगा तो इसमें ऑयल कितना डलेगा, 250 ml